लुधियाने की अदालत विच होया वड्डा धमाका। धमाके तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिता वड्डा बयान, कहा कानूनियां हरकतां कर रही ने सियासी पार्टियां। वड्डी खबर तो दिखा रहे हैं, वड्डी खबर लुधियाने तो सामने आ रही है, जिथे स्थानक अदालत विच वीरवार नूं वड्डा धमाका हो गया है, जिस कारण लोगों के विच हफड़ा दफड़ी वाला माहौल पैदा हो गया। इस धमाके के दौरान दो लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आ रही है, जबकि धमाके के दौरान कई लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। दसिया जा रहा है कि धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि कचहरी की पूरी इमारत ही कंबल लग पई। जी हाँ, यह भी पता लगे है कि यह धमाका कचहरी की तीजी मंजिल से होया। फिलहाल खबर लिखे जाने तक धमाके के कारण का पता नहीं लग सकया। पुलिस के वालों इसकी छानबीन की जा रही है। घटना वाली थां ते पुलिस के वड्डे अधिकारी पहुंच चुके ने। इस घटना तो बाद जिहड़ा लोगों के विच समय दहशत का माहौल पाया जा रहा है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ी घटना वापरी है, तो लोगों का एक वड्डा इकट्ठ तुहानूं देखण नूं मिल सकता है कि यह घटना वापरन तो बाद लुधियाने दे विच जिहड़ी घटना वापरी है, अदालत दे विच वड्डा धमाका होया है। घटना वापरन तो बाद लोगों के विच दहशत का माहौल देखण नूं मिलिया, दो लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। वड्डी अपडेट इस समय तुहानूं दिखा रहे हैं। उत्थे ही यह धमाका होने तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का वड्डा बयान सामने आया। लुधियाने की अदालत विच हुए धमाके ते पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि लुधियाना का जिहड़ा चरणजीत सिंह चन्नी का वड्डा बयान आया कि इस हादसे ते बोलदे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतों के वलों इस तरह दियां घिनौनियां हरकतां कीतियां जा रहियां ने। उन्होंने कहा कि इस दे लई सरकार भी सुचेत है। उन्होंने कहा कि लोगों नूं भी सुचेत रहण दी अपील है। उन्हें यह भी कहा कि किसी भी मुलजम नूं बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके पिछे है उसनूं जरूर पकड़िया जाएगा, बनदी सज़ा दी जाएगी। इत्थे भी दसण योग है कि चरणजीत सिंह चन्नी हुण लुधियाना जाणगे, जिथे वह धमाके वाले स्थान पर जाके जायजा लैणगे। वड्डी अपडेट तुहानूं दिखा रहे हैं इस वेले दी।